बिहार चुनाव, तेजस्वी यादव की सीएम नीतीश कुमार को चुनौती, किसी भी एक उपलब्धि पर कर लें बहस। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एनडीए के उम्मीदवार और निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी उपलब्धि पर बहस करने की चुनौती दी है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किसी भी विषय पर बहस करने की खुली चुनौती दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे नई परंपरा की शुरुआत करना चाहते हैं। प्रचार के लिए सोमवार को निकलने से पूर्व अपने आवास के बाहर पत्रकारों के सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से विनम्रतापूर्वक बोलना चाहूँगा कि उनकी 15 साल में जो भी उपलब्धि रही है उनमें से किसी एक उपलब्धि पर कहीं भी हमसे बहस कर लें, हम उनको चुनौती देते हैं। तेजस्वी ने कहा कि जो भी 15 साल में उनकी उपलब्धि रही है किसी एक विषय को चुन ले जो उनके पसंद का हो। अपनी इस चुनौती के बारे में तेजस्वी यादव ने कहा कि इससे एक नई परंपरा की शुरुआत होगी और क्योंकि बिहार लोकतंत्र की जननी रहा है और वैशाली का गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि विनम्रतापूर्वक मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हमारी चुनौती को स्वीकार करें जिससे एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत हो। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का कहना है कि ऐसा इसलिए संभव नहीं है क्योंकि फिलहाल सब लोग प्रचार में लगे हैं और तेजस्वी पहले अपने माता पिता के 15 सालों में जो कुछ भी गलत हुआ उसका हिसाब दें। जनवाद टाइम्स के साथ जुड़े रहने के लिए जनवाद टाइम्स के न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।